Welcome to Modified Cars, Old Car Restoration. सुजुकी आल्टो 660 सीसी मैनुअल 5 स्पीड बहुत अच्छी एवरेज 20 किलोमीटर तो कंप्लीट रिव्यू देखें आप गाड़ी का आपको बहुत फायदा होगा। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं दोस्त, ठीक हैं? काफ़ी दोस्त रब्ता करते हैं दोस्त, भाई हमें 10 लाख के बजट के नीचे हमें गाड़ी अच्छी चाहिए, मेहरान से कोई दूसरी गाड़ी। तो आज दो गाड़ियां मैं लेके आया हूं, दोनों गाड़ियां आल्टो हैं, उनके अंदर इंजन ऑलरेडी लगे हुए हैं 660 सीसी। एक का तो इंजन मैंने रिसेंटली खुद चेंज किया है, दूसरी का वो जिस भाई जो सेल कर रहे हैं उन्होंने खुद सेल इंजन चेंज करवाया, मुझे नहीं पता कहाँ से करवाया। तो ये पूरी वीडियो देखें और मैंने आगे इसकी मुकम्मल डिटेल बताई है, पूरी वीडियो आप देखेंगे, स्किप नहीं करनी आपने। ये दोनों गाड़ियाँ आपको 8.5-8.5 लाख में मिलने वाली हैं। फीचर अलैरिम, पावर सेविंग, ब्रेक, 660 सीसी मैनुअल इंजन, एवरेज 20 किलोमीटर। तो ये दोनों गाड़ियों की डिटेल मैंने कंप्लीट दी हुई है, आप सारी वीडियो चेक करें, उसके बाद फिर मुझसे रब्ता करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सुजुकी आल्टो 660 सीसी मैनुअल 5 स्पीड बहुत अच्छी एवरेज 20 किलोमीटर तो कंप्लीट रिव्यू देखें आप गाड़ी का, आपको बहुत फायदा होगा। मारो सलाफ, जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो, ठीक हो, खैरियत से हो? आज एक नई गाड़ी बनाई है रिजवान भाई की, आल्टो है सुजुकी, और इसके अंदर 660 सीसी का इंजन हमने इंस्टॉल किया है मैनुअल गियर के साथ। तो बेहतरीन गाड़ी बन गई है और एवरेज भी इंशाल्लाह इनको 20 किलोमीटर गाड़ी देगी। और इसके अलावा बाकी आप इसकी आवाज़ वगैरह चेक कर सकते हैं, ये 5 स्पीड के अंदर है 660 सीसी मैनुअल। रिजवान भाई एक्सीलेटर लाओ ज़रा, ये भाई मुल्तान से आए हैं, उनकी गाड़ी है, एक्सीलेटर लाओ, भजन लाओ, एक्सीलेटर, एसी ऑन करो, एसी, इसका एसी जो है हमने वो कंप्यूटर से चालू किया है, ठीक हो गया, ये अब इसका एसी इसका ऑन है। अब आपको एक्सीलेटर देते हैं, गाड़ी बिल्कुल नहीं बैठी, एक्सीलेटर लाओ, एक्सीलेटर लाओ, अच्छा अब आपको इसका आरपीएम भी दिखाते हैं, लाइट वाला आप पार्किंग लाइट बंदी पे, ये देखें इसका भी एसी चल रहा है, गाड़ी की कंडीशन आप देख सकते हैं, वाइब्रेशन वगैरह आपको सामने है। रिजवान भाई एक्सीलेटर लाओ, एसी की कूलिंग की में भजन, अच्छा एसी बंद करो, अब इसका आप आरपीएम देखें, ये स्लो हो जाएगा बिल्कुल, ये मैनुअल गियर के अंदर गाड़ी तैयार की है, ये इसका आप इंजन देखें, ये 660 सीसी है मैनुअल 5 स्पीड ट्रांसमिशन, बहुत अच्छी गाड़ी है। इंजन की आवाज़ देखें, आपको आप एम इसका दिखाया है, अब इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो तकरीबन ये 20 किलोमीटर इनको देगी एवरेज। और ये गाड़ी तकरीबन ये आई थी हमारे पास, आप ये गाड़ी कब ले आए थे रिजवान भाई? ये 16 तारीख को गाड़ी लेके हमारे पास आए थे, इसका सिर्फ काम था इसका इंजन चेंज करना, और हमने आज 22 तारीख है, इनको 10 दिन का हमने टाइम दिया था और 7 दिन बाद हमने इनको कॉल कर लिया कि भाई आके अपनी गाड़ी ले जाएं। रिजवान भाई कैसा लगा आपको भाईजान? अच्छा कैसे आपने हमसे रब्ता किया? यूट्यूब से वीडियो देख के, और मुतमिन है हमारे काम से? अच्छा जो आपको काम करके दिया है ठीक हो गया काम? अच्छा कोई मसला मसायल आपने गाड़ी चलाई है, कोई इशू तो नहीं है गाड़ी के अंदर? अच्छा चलिए ये गाड़ी अब आपको चला के भी दिखाते हैं आप इसको ज़रा, और इसका फ़ैन भी है, ये भी कंप्यूटर से चल रहा है, और इसका फ्यूल पम्प और फ़ैन ये हर चीज़ की कंप्यूटर से ऑन ऑफ हो रही है, ऑटोमेटिक है हर चीज़, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी चलाएंगे भाई तो इंशाल्लाह मैं आपका इनका रिव्यू आपको दूंगा। अभी ये पहुंच जाए मुल्तान, क्योंकि यहाँ से मुल्तान है 120 किलोमीटर, ये पहुंच के फिर इंशाल्लाह मुझे बताएंगे फिर गाड़ी का क्या एवरेज आई है, फिर मैं आपको अपडेट करूँगा इसकी। तो बाकी इंशाल्लाह मैं आपको इसकी ड्राइव भी करके दिखाते हैं आपको, ये इसकी लुक है फ्रंट की, ये देखो इसके अंदर सस्पेंशन का काम हमने किया है मुकम्मल,
और इसका फ्रंट रेयर शॉक स्प्रिंग के साथ नहीं डाले गाड़ी के अंदर, और इसकी लाइटें वाइटें का काम था छोटा मोटा, और टचिंग टुचिंग थी सारी हमने इसकी कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी अब भाई लेके जा रहे हैं, और जैसे इंशाल्लाह मुल्तान पहुंचेंगे ये हम अपडेट करेंगे और हम आपको बताते रहेंगे। तो जिस भाई ने भी गाड़ी बनवानी हो तो वो रब्ता कर सकता है, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने गाड़ी इस तरह की आल्टो चाहिए बनवानी है वो भी बना देंगे, ऑटोमेटिक बोलें या मैनुअल, इस तरह आप गाड़ी बोलेंगे आपको वैसे बना देंगे। तो बाकी इसको आप अभी चला के भी दिखाते हैं, इसकी वाइब्रेशन भी आप चेक करें, हर चीज़ आपको इसकी दिखाते हैं जी। इसका भी एसी ऑन है गाड़ी का, अब इसको रोड पे लेके जा रहे हैं। लाइट ऑन करो रिजवान भाई, लाइट ऑन करो। हाँ भाई आप देखें, ये इसका हमने इसके अंदर आरपीएम मीटर इंस्टॉल किया हुआ है, ऑटोमेटिक है, ये देख सकते हैं अभी गाड़ी जो है रोड पे चल रही है, आप उसको भगा के भी दिखाते हैं जी। ये देखें ये गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है, एसी गाड़ी का ऑन है और आप इसका मीटर देख सकते हैं। रिजवान भाई कैसा महसूस कर रहे हैं भैया? अब ये एसी के साथ जो है इसका फुल गाड़ी के अंदर पावर है और वाइब्रेशन आपके सामने है, स्टीयरिंग आप देखें बिल्कुल गाड़ी के अंदर कोई वाइब्रेशन नहीं है, जबरदस्त है गाड़ी, हर चीज की ओके है। और इसका आप स्पीड देखें और इसका आप आरपीएम भी देखें और इसका फ्यूल गेज टेम्परेचर गेज हर चीज की वर्किंग के अंदर है। तो बाकी ये देखें, लोग कहते हैं गाड़ी भी जो है भागती नहीं है, इंजन पे लोड होता है, गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन होती है, रिजवान भी गाड़ी के अंदर कोई वाइब्रेशन तो नहीं है? नहीं। और इंशाल्लाह ये भाई जब बुल्तान पहुंच जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको इसकी दिखाएंगे, वीडियो भी दिखाएंगे आपको इसकी। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक ठाक हो? सब खैरियत से हो? अच्छा आज ना दो गाड़ियां आई हैं आल्टो सुजुकी, एक 2004 मॉडल है और एक 2006 मॉडल है, मुल्तान नंबर की गाड़ियां हैं, अलहरम गाड़ियों को लगी हुई हैं। एक की वीडियो मैंने पिछले दिन लगाई थी, वाइट कलर वाली गाड़ी की जिसको बना के दी थी 660 cc, उसकी बॉडी के अंदर काम है तो वो सारे काम करके आपको बिल्कुल न्यू गाड़ी बना के देंगे बिल्कुल मुनासिब पैसों के अंदर। तो ये तकरीबन जो है वीडियो, काफ़ी दोस्त मुझे बोलते हैं मुदसर भाई हमें ना 10 लाख के बजट के अंदर गाड़ी चाहिए हमें, तो ये गाड़ियाँ 10 लाख के बजट से भी नीचे हैं, तकरीबन मैं 8.5 लाख के रेंज के अंदर गाड़ियाँ आपकी लेके आए हैं। दो गाड़ियाँ आल्टो सुजुकी पाकिस्तानी गाड़ियाँ, इंजन उनके अंदर चेंज हुए हैं 660 cc, तो एक गाड़ी की तो इंजन मैंने अभी रिसेंटली चेंज किया, वो बिल्कुल परफेक्ट है इंजन के हिसाब से, मकैनिकल ओके है बिल्कुल, उसके अंदर बॉडी में वर्किंग है डेंडिंग बैंडिंग का वो भी करके देंगे आपको, और बाकी डेकोरेशन है। जो दूसरी गाड़ी है सिल्वर कलर वाली वो 6 मॉडल गाड़ी है, तो उसका भी इंजन मैंने चेंज किया रिसेंटली, किसी और भाई ने चेंज किया है तो उन्होंने मुझे बोला कि हमें गाड़ी सेल करनी है, सेल करवा दें, तो वो भी मतलब कोई गाड़ी अवेलेबल है तो वो भी आप वीडियो लास्ट में आप देखें। तो वो मतलब कि दोनों गाड़ियाँ मैं अपनी तसल्ली करके उसके अंदर एसी पावर स्टीयरिंग और 660 cc मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ फ्यूल एवरेज 20 किलोमीटर गाड़ी करेगी, और मुकम्मल डेंडिंग पेंडिंग करके लाइटें वाइटें डाल के टायर वायर डाल के सस्पेंशन इंजन का काम करके और इसकी मुकम्मल जो है डेकोरेशन वगैरह करके तकरीबन 8.5 लाख रुपए के अंदर दोनों गाड़ियां आपको देंगे। और दोनों गाड़ी के अंदर जो है डॉक्यूमेंट्स भी क्लियर हैं, बायोमेट्रिक भी मिल जाएगी और नंबर भी दोनों गाड़ी के मुल्तान के हैं, और दोनों गाड़ियों को अलार्म भी लगे हुए हैं आपको, उसके अंदर एसी पावर स्टीयरिंग पावर ब्रेक और 660 cc इंजन मिलेगा। और ये गाड़ियाँ अर्जेंट फॉर सेल हैं, ये उनके लिए हैं जो हमारे परदेसी भाई हैं, जो लोग कहते हैं कि भाई हमें मुदसर भाई 10 लाख के बजट से नीचे नीचे हमें गाड़ी बना के दो, इतने पैसों में तो मेहरान नहीं मिलती 8.5 लाख की रेंज के अंदर 15-16 मॉडल, तो ये मैं बिल्कुल न्यू गाड़ियाँ बना के दूंगा आपको, इसके अंदर पावर विंडो नहीं होगी, तो सिर्फ ये इसी गाड़ी को जो है इसी बॉडी को मतलब कि मुकम्मल करके आपको देंगे डेंडिंग पेंडिंग करके 8.5 लाख रुपये में दोनों गाड़ियाँ बना के देंगे आपको। और ये मतलब कि अर्जेंट आप लोग जो भाई बनवाना चाहते हैं तो वो रब्ता करें, और जो परदेसी भाई हैं हमारे अक्सर लोग जो है वो मुझे मैसेज करते रहते हैं, तो ये उनके लिए गाड़ी मैं लेके आया हूँ,
और जो भाई भी लेना चाहता है वो रब्ता कर ले। गाड़ी मोटर मैंने आपको दिखा दी है, डॉक्यूमेंट्स की हर चीज़ की हमारी गारंटी जिम्मेदारी होगी और जो है गाड़ी हम बिल्कुल आपको ओके करके देंगे। और ये दोनों गाड़ियाँ 660 सीसी EFI इंजन के अंदर मौजूद हैं। तो ये वीडियो है, इसके अलावा एक और कल्टस गाड़ी भी है, 2005 मॉडल है, उसके अंदर विड्स का इंजन लगा हुआ है 1000 सीसी, वो भी ऑटोमेटिक है, वो भी इंशाल्लाह आपके शेयर करूँगा। फिलहाल ये दो गाड़ियाँ हैं हमारे पास मौके पर, तो जिस महीने लेनी हो वो रब्ता करें। और जो हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें और वीडियो आप कंप्लीट देखें, फिर आपको फ़ायदा होगा। ठीक हो गया, ये मेरी आज की वीडियो थी, इसको पूरा देख लें, उसके बाद फिर आप करते हैं।